आइए एक्सरसाइज 7.3 ओल्ड बुक्स यह है परमुटेशन। परमुटेशन का मीनिंग सबको क्लियर है, क्या था मीनिंग बेटा परमुटेशन? अरेंजमेंट। परमुटेशन का सिंपली मीनिंग होता है अरेंजमेंट, राइट? ओके, अब परमुटेशन का एक फॉर्मूला होता है क्या, एनपीआर ऐसे लिखते हैं एनपीआर। अच्छा कई बुक्स इसे इस तरह भी लिखती है पी ब्रैकेट एन कॉमा आर, मीनिंग दोनों का सेम है। फॉर्मूला क्या, पहले फॉर्मूला सीखो, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर? अरे आप बोलोगे सर ये एन है क्या? बेटा एन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस, एन इज द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। आर होता है, आर इज द नंबर ऑफ चॉइसेस टू बी मेड, कितनी चॉइस करनी है। हाँ ये नोट्स में ये बेटा रेडी कैसे, लेट्स से मैंने बोला 5p2 क्या हो जाएगा बेटा, 5p2 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कितना आ जाएगा 5 × 4 × 3 20। चलो इसका मतलब है कि 5 में से जब मेरे को 3 चॉइस करनी है, अब कैसे इसके लिए क्वेश्चन पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो थोड़े बेटा, क्वेश्चन 1 क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। 3 डिजिट नंबर बनाने हैं किसका यूज करके बेटा, 1 to 9 का यूज करके। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, अगर कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, बताना चाहोगे कोई कैसे करे, कोई भी ओपन फॉर ऑल, आपने सिंपली बोल दिया क्या 987, सबने यही बोला 987, ठीक है जो भी आएगा इसका आंसर आएगा 504 आएगा, यही करा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी मेरे पास, ये तो हो गया, इसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हाँ आंसर सही है, ठीक है। जब हम ये प्लेसेस वाला लेते हैं ना, इसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या बोलते हैं बेटा इसे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। अब इसको मैं परमुटेशन से भी कर सकता हूँ, परमुटेशन से कैसे, मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन है 9, और कितनों की अरेंजमेंट करनी है 3, तो क्या लिखूंगा 9p3, फॉर्मूला लगाओ 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 9 × 8 × 7 × 6 कट गया, कितना आया, तो चॉइस आपकी है सर, पेपर में कौन सा करें, मैं कहा चॉइस आपकी है टोटली, कौन सा मर्जी करो, क्लियर है बात। बस एक छोटे से नोट का ध्यान रखना कि परमुटेशन का फॉर्मूला कब लगाना है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्लियर होगी बात, डाउट है पूछो, किस किस को डाउट है बेटा कोई भी पॉइंट में, नो वन, ओके। एक बात ध्यान रखना, परमुटेशन की पहचान क्लियर हो गई क्या, जब जब सीक्वेंस रिपीटेशन नहीं, सीक्वेंस मैटर करे, जब पोजीशन हो, जिस तरह मैंने बोला एक टीम बनानी है, पर एक टीम में एक वाइस कैप्टन और कैप्टन होना चाहिए, क्या यहाँ ये परमुटेशन है या नहीं है, क्या यहाँ आपका ऑर्डर मैटर करता ही नहीं करता, यहाँ करेगा, यहाँ रैंक है पोजीशन है मैटर करेगा। नॉर्मल टीम बनानी है, कमेटी बनानी है, कोई पोजीशन ही नहीं है, ग्रुप है, पोजीशन का कोई मैटर करेगा, नो, पॉइंट क्लियर। होमवर्क टाइम, ज्यादा होमवर्क नहीं देंगे, एक्सरसाइज 7.1 ओल्ड बुक्स में 6.1, 7.2 ओल्ड बुक्स में, सॉरी न्यू बुक्स में 6.2, 7.3 न्यू बुक्स में 6.3,
इसके अंदर आपने करने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 और ये फुल विद एग्जांपल। बेटा कितनी देर की है खुद बता दो ईमानदारी से, अगर आपको ज्यादा टफ लग रही हो बता दो, बस इतना सा है।